हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि आज की वीडियो मैं सिर्फ आपके लिए लेके आई हूँ और आपके कहने पे लेके आई हूँ। तो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला था कि जब हम अपने घर में कोई चीज़ यूज़ नहीं करते हैं, बेकार हो जाती है। जैसे कि हम ये कुर्तियाँ पहनते हैं, रंग बिरंगी ऐसी प्रिंट वाली, या फिर टी शर्ट होते हैं बच्चों के, फ्रॉक होते हैं, टॉप होते हैं, जो हम यूज़ नहीं करते हैं, बच्चे वैसे छोड़ जाते हैं। उनके प्रिंट इतने सुंदर होते हैं कि देखने का और सॉरी फेंकने का मन नहीं करता, किसी को देने का मन नहीं करता है। तो ऐसे ही प्रिंट वाले कपड़ों का यूज़ करेंगे जो आपके लिए बिल्कुल बेकार है, जो आप किसी को दे रहे हैं पर देना नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों का हम यूज़ करेंगे और बहुत ही सुंदर चीज़ बनाएंगे, क्योंकि जो मैं बनाने वाली हूँ वो सर्दी और गर्मी दोनों के पर्पज से है और बहुत ही डिज़ाइनर पीस है। जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख रहे होंगे, बहुत ही डिज़ाइनर पीस बनके तैयार होगी। अगर हम इसको मार्केट में लेने जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिल तो जाएगी, पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलती है। थोड़ा सा मेहनत और थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और वीडियो को ऐसे जैसे मैंने बताया है वैसे ही आप बनाते हैं, तो बहुत सुंदर ही कारपेट या फिर बेडशीट कह लीजिए, जो भी चीज़ आप बनाना चाहें इजीली बन के तैयार हो जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें एक रुपया आपका नहीं लगने वाला, फिर सिर्फ थोड़ा सा मेहनत, वो भी बहुत ही ज़्यादा नहीं, एक दो घंटे का मेहनत है। तो बहुत लोग ये कमेंट करेंगे कि बाज़ार में हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती, ऐसे ही मिल जाती है, पैसे बस खर्च करना होता है। तो सही बात है, आपका कहना बिल्कुल सही है कि बाजार में हर एक चीज़ मिलती है पर पैसे से मिलती है, लेकिन जो हम चीज़ अपने हाथों से बनाते हैं उसके साथ में हमारा इमोशन जुड़ा होता है और वो चीज़ हमें यूज़ करके बहुत ही अपना जो दिल को सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है बिछा के उसको, किसी को दिखाने में, बिछाने में, अपने कमरे में शो सजावट का सामान हो, कुछ भी हम बनाते हैं तो अच्छा लगता है, अपने दिल को सुकून मिलता है। तो चलिए, अगर आप इंटरेस्टेड है तो वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए चलते वीडियो देखने। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि ये है एक बेडशीट जो मेरी पुरानी बेडशीट है और बीच में फट भी चुकी है, तो मैं इसी का सबसे पहले यूज़ बताऊंगी कि क्योंकि बेस इसी से तैयार मैं करूंगी। तो आपके घर में जो भी पुराना बेडशीट है, पर्दे हैं, उसका यूज़ आप कर सकते हैं। मायने ये रखता है कि आपको क्या बनाना है, जो कि वीडियो पूरा देखने पर आपको समझ में आएगा कि क्या बन के रेडी होने वाला है। क्योंकि मैंने आपको बताया कारपेट या फिर कालीन कह लीजिए, बेडशीट कह लीजिए, गर्म जो आते हैं नरम वाले और गर्म वाले बेडशीट कह लीजिए, इस टाइप में ही हम कुछ बनाएंगे। तो लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले बॉक्स बनाऊँगी, तो बॉक्स के लिए यहाँ पे देखिए 15 इंच में लंबाई ले रही हूँ और 15 इंच ही चौड़ाई लूँगी। आप इस जगह पे कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। मैंने मेरा बेडशीट बेकार था तो बेडशीट ही लिया मैंने। तो इसको हम 10 पीस लेंगे, इस तरह से कट कर लेंगे 15x15 का। तो चलिए इसका कट कर लेते हैं, कट करके फिर दिखाते हैं कैसे और आगे क्या करना है। अब आगे ये करना है कि जब हमारे 10 पीस कट जाएंगे तब हम इसको फोम सीट लेंगे। इस तरह का फोम सीट मिलता है आसानी से, धागे सुई वगैरह जहाँ पे मिलता है वहाँ से हम ले सकते हैं, और वहाँ इसके बाद से इसको इस तरह से फैला लेंगे और जो हमने 15x15 का जो पीसेस कट किया था उसको हम इसके ऊपर से इस तरह से रख देंगे और रख के इसके बराबर ही कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे पिनअप भी कर सकते हैं, पहले मैं पिनअप भी करूँगी इसको। तो सारे हमको इसी तरह से कट करके और पिनअप करके रख देना है। पिनअप करने के बाद देखिए हमारे सारे फोम सीट रेडी हो चुके हैं, जो हमने बेडशीट से अटैच कर लिया है, यानी जो पीसेस बनाए थे उसे अटैच कर लिया है। अब हम लेते हैं कोई भी प्रिंटेड जो आपके पास, कुर्ती हो, सूट हो, टॉप हो, लेगिंग हो, जो भी है आपके पास, दुपट्टा हो प्रिंटेड, जो भी हो आपके पास, इस जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मेरे पास ये पुराना कपड़ा था, मैं इसका यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। इसका प्रिंट बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं ये गरम मेरा सूट था उसी में का ये कपड़ा है, तो आप इस जगह पे गरम भी सूट ले सकते हैं, दुपट्टे का कपड़ा ले सकते हैं, कोई भी पुराना ले सकते हैं जिसका प्रिंट थोड़ा सा अच्छा हो आप ले सकते हैं, प्लेन कपड़ा भी आप इस जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मैं 2.5 इंच का पीस कट कर रही हूँ, लंबे लंबे पीसेस कट कर रही हूँ इस तरह से। तो इसके देखिए मैं किस तरह से इसको कट करके और फिर क्या करने वाली हूँ कि जो इसका कॉम्बिनेशन में जो प्रिंट आएगा उसका मैं यूज़ करूँगी। तो ये देखिए इससे मिलता जुलता प्रिंट ये मुझे मिला है, प्रिंट मिलता जुलता ना होना चाहिए, कलर थोड़ा सा मिलता जुलता होना चाहिए। तो उसको भी मैं सेम चौड़ाई से ही कट करूँगी, यानी 2.25 इंच का ही मैं इसे कट करूँगी।
तो देखिए थोड़ा सा उसमें ब्लू आप देख रहे होंगे, प्रिंट है वाइट वाले में और ये ब्लू डार्क है, तो इसी तरह का कॉम्बिनेशन हमें लेना है ताकि दोनों एक दूसरे से मैच करें। तो इसे भी सेम चौड़ाई से हमें कट कर लेना है। पीसेस कितने आपको स्ट्रेप्स चाहिए ये तो आप जब बनाएंगे तो समझ में आएगा कितने स्ट्रेप्स चाहिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा वो वाली टफ़ वाली बात नहीं है, क्योंकि आप पीसेस तो बाद में भी कम पड़ेगा तो कट कर सकते हैं। तो पहले मैं इसे चार चार पीस कट कर ली हूँ, चार वाइट वाला और चार ब्लू कलर का। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा फोम वाला सीट वाला हिस्सा है उसको हम ऊपर की तरफ करेंगे और इसको हम इस तरह से सिंपली रख के सिलाई चला देंगे। देखिए मैंने सीधा सा पट्टी सीधी तरफ से लिया है और इसको मैं सिलाई चला दूंगी, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ से कट करके हटा देंगे। और इस तरफ से भी हमें बिल्कुल सीधा करते हुए सिलाई चलाना नहीं है। ध्यान इस बात का देना है कि जब हम स्ट्रैप्स अपने कट कर रहे हों उस समय पे हमारा कपड़ा अगर सिकुड़ा हो तो पहले उसे प्रेस कर ले ताकि वो सीधा हो जाए और हमारा सिलने में सुंदर दिखे और अच्छा दिखे, मतलब सिकुड़ा हुआ ना लगे। और इसके बाद से हम दूसरा वाला कलर लेते हैं और दूसरा वाला कलर को उल्टे साइड से इस तरह से रखते हुए सिलाई चला देंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर बन के रेडी होगा। ध्यान से देखते रहिए किस तरह से मैं जोड़ रही हूँ इसको, और फिर इसके बाद से लास्ट में फिर से हम सिलाई यहाँ से चला लेंगे। देखिए अब फिर से हम इसके ऊपर से फिर से हम दूसरा स्ट्रेप्स लगाएंगे, दूसरा कलर, यानी दो कलर का कॉम्बिनेशन है। तो एक एक बार वाइट एक बार ब्लू इस तरह से लगाएंगे, जो भी आप कलर यूज़ कर रहे हैं इसी तरह से हमें करना है। बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाएगा। और इस तरह से आप जब कोई भी कारपेट क्विंट वगैरह बनाते हैं तो इसमें सिकुड़न नहीं आता है, झोल नहीं आता है, जो भी चटाई कालीन बेडशीट जो भी बनाएंगे इसमें बिल्कुल झोल नहीं आएगा। और बड़ा से बड़ा पीस आप इस तरह से बना के रेडी कर सकते हैं और लगा सकते हैं, कोई झोल नहीं आएगा और बहुत ही जल्दी बहुत ही इजी तरीके से बन के तैयार भी हो जाएगा। तो इस तरह से हमें सारे पीसेस रेडी कर लेने हैं। देखिए बातों ही बातों में इतना हो गया। ये देखिए यहाँ से इस तरह से दिखेगा। अब ये हमारे ये रेडी हो चुका है, एक्स्ट्रा पार्ट हम यहाँ से कट करके हटा लेंगे। और इस तरह के और भी वीडियोस मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, मैंने डाले हुए हैं जो अलग अलग डिज़ाइन के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, तो आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे वीडियोस हैं। और इस तरह से देखिए मैं सारे पीसेस बनाऊंगी सेम इसी प्रोसेस से। आप देखिए क्या है ये, तो ये देखिए मैं एक इसमें भी कलर कॉम्बिनेशन में आप लोग देख सकते हैं कि मैंने देख के ही लिया है। तो ये भी मेरे कुर्ती का ही कपड़ा है और ये मेरे दुपट्टे बीच वाला जो वाइट दिख रहा है ये दुपट्टे का है। तो इस तरह से ही आपको लेना है, कोई भी पुरानी कुर्ती हो, दुपट्टा हो, लेगिंग हो, टॉप हो, कुछ भी आप प्लाजो हो, कुछ भी आप कट कर सकते हैं और कलर मिला करके आप यहाँ इस तरह से लगा सकते हैं। तो मेरे साथ ये देखिए इसमें इसमें भी आप ग्रीन और ऑफ वाइट मैंने यहाँ पे लिया है, ये भी मेरे कुर्ती का ही कपड़ा है और बीच वाला दुपट्टे का कपड़ा है। तो इसी तरह से आप मिलाते जुलाते हुए सारे पीसेस रेडी कर लीजिए और सेम उसी प्रोसेस से होगा। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसे किस तरह से और किस डिज़ाइन से जोड़ना है। ये देखिए इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है, तो इसी तरह से आपको भी लेना है। बस प्रिंट का ध्यान रखना है कि अच्छी अच्छी प्रिंटेड कुर्तियाँ हों और थोड़ी सी प्लेन भी हो तो चलेगा। और इस तरह से हमारे सारे पीसेस रेडी हो जाएंगे, क्योंकि मैं इसके बाद से आप सबको जोड़ना बताऊंगी कि इसे किस तरह से जोड़ा जाएगा। बहुत ही यूनिक सा मैं पैटर्न लेके आई हूं, तो आप ध्यान से वीडियो देखिएगा तो पता चलेगा कि किस तरह से इसे जोड़ना है। तो चलिए नेक्स्ट जोड़ना ही बताने वाली हूँ आपको। और यहाँ पे सारे पीसेस हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे कलर कॉम्बिनेशन मैंने लगाया है, इस तरह से आप भी लगा सकते हैं सुंदर सुंदर से प्रिंट एक साथ देख के कि कौन से में कौन सा प्रिंट ज़्यादा शूट करेगा। तो चलिए इसे जोड़ना बताते हैं किस तरह से जोड़ना है।
तो एक पीस जब हम इस तरह से लंबे लंबे लेंगे तो दूसरी वाली पीस हम इस तरह से चौड़ाई में लेंगे, तीसरी वाली फिर से लंबाई में, फिर चौथी वाली फिर से चौड़ाई में। इसी तरह से हमें जितना लंबा इसे रखना है उतना लंबा हमें कर लेना है। इस तरह से देखिए, इस तरह से हम लंबाई चौड़ाई लेते हुए इस तरह से हमें पीसेस को रेडी कर लेना है सिलाई करके। तो चलिए, दूसरा पहला वाला मैंने इस तरह से सिल लिया है। अब बताते हैं दूसरा शीट हमें किस तरह से इसके साथ ज्वाइंट करना है। अब हमें जो हमने बेडशीट लिया था उसको हम इस तरह से बिछा लेंगे, जितनी लंबाई चौड़ाई हमें चाहिए उतना चौड़ा हम ले लेंगे। और बेडशीट का बचा हुआ पीस ही है ये, और इसी के ऊपर हम इस तरह से इसको रखेंगे। दोनों पीसेस हमारे सिल चुके हैं, और देखिए मैंने जैसे बताया था उसी तरह से आप अगर सिलेंगे तो इस तरह के कुछ डिज़ाइन बन के आएगी। देखिए एक तरफ से क्रॉस है, दूसरी तरफ से चौड़ाई में है। इसी तरह से हमें दूसरा वाला पीस भी अटैच करना है, इसी तरह से सिलाई करते हुए। तो मैं अभी पिनअप कर दूंगी, पिनअप करने के बाद से ये अच्छे से सिकुड़न बिल्कुल नहीं आएगा और अच्छे से सिलाई इस पर की जा सकती है, जिससे ये फ़ायदा होगा कि इसमें बिल्कुल झोल नहीं आएगा। बड़ा से बड़ा पीस आप तैयार कर सकते हैं, बेडशीट कारपेट वगैरह कुछ भी तैयार करेंगे, बिल्कुल झोल नहीं आएगा इसमें। तो इसी तरह से आपको जितना लंबा जितना चौड़ा आपको चाहिए कारपेट के रूप में, या फिर सोफ़ा के ऊपर बिछाने के लिए रनर के रूप में, या फिर बेडशीट के रूप में, क्वेंट के रूप में, जो भी आपको बनाना है इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। बड़े से बड़े बॉक्सेस बना के और आप इस तरह से जिग जैग करते हुए इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सिल लिया है। अब ये करना है कि 2 इंच की चौड़ाई की हमें फिर से स्ट्रेप्स कट करने हैं, और स्ट्रेप्स कट करने के बाद से हम इस तरह से इसे फोल्ड करके इस तरह से हम चारों तरफ से इसके पाइपिंग लगा देंगे ताकि इसकी खूबसूरती और बढ़ जाए। बहुत ही सुंदर दिखने लगा था ये अभी से, और इस तरह से देखिए ये पाइपिंग मैंने लगा दी है ब्लू कलर की। चलिए पहले पाइपिंग लगा लेते हैं, फिर इसका फाइनल लुक दिखाते हैं कि ये कितना सुंदर बन के रेडी हुआ है और क्या बन के रेडी हुआ है। तो चलिए मैं इसको पहले सिल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप सबको। तो चलिए मैं इसका फाइनल लुक आपको आपको दिखाती हूँ कि इस क्या बन के रेडी हुआ है, कैसा बना है। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक, ये बहुत ही सुंदर कारपेट बन के रेडी हुआ है। लेकिन मैं इसे कारपेट का यूज़ करिए, बेडशीट का यूज़ करिए, या फिर सोफे पे डालिए, रनर के रूप में यूज़ करिए, किचन में यूज़ करिए, चाहे जैसे जिस पर्पस से आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर बन के रेडी हुआ है। इसका फिनिशिंग देखिए और इसका कलर कॉम्बिनेशन, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे की मेहनत में ये बन के रेडी हुआ है। आप चाहे तो आप भी अपने घर में बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका मतलब बिल्कुल 1 रुपया नहीं लगा है, हमारे पुरानी चीज़ों से बन के रेडी हुआ है। तो आप सब भी अपने घर में ज़रूर बनाइए। अभी मैं दिखाती हूँ इसे सोफ़े पे डाल के कि सोफ़े पे ये देखिए कैसा लग रहा है। तो ये देखिए सोफ़े पे मैंने डाल दिया था, और सोफ़े पर से तो सच बताएं इतना इसका खूबसूरत लुक आया था कि क्या ही बताएं। पता नहीं कैमरा इतना कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं, लेकिन रियलिटी इसकी ये है कि बहुत ही सुंदर डिज़ाइनर पीस लग रहा था। इस तरह से आप इसे सोफ़े पर भी डाल सकते हैं, या फिर रनर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो बड़ा से बड़ा पीस बनाइए, मिनटों में बिल्कुल झोल नहीं आएगा, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो आप सबको आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, सी यू अगेन, राधे राधे।